हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा, आप सभी का अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की सुपर इजी ट्रिक्स। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप चाहे कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर हो किसी भी एलिमेंट्स का, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से डेफिनेटली लिख पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ पूरे एंड तक, कहीं भी इसको स्किप मत करना। कोई चीज छूट जाएगी तो फिर बाद में आपको दोबारा रिमाइंड करके देखनी पड़ेगी, ठीक है? देखो, सबसे पहले चार बातें बताऊंगा आपको और इन चारों बातों में आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हो। पहला फॉर्मूला, इसकी फॉर्मूले की जो ट्रिक है याद करने की, वो क्या है? शर्मा शर्मा प्रसाद, शर्मा प्रसाद शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद, ठीक है? ये इसकी ट्रिक है। शर्मा शर्मा प्रसाद शर्मा, प्रसाद शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद, ठीक है? ये ट्रिक हो जाएगी पूरी। यहां हम बीच में इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है? देखो, अब इसके बाद आपको स्टार्ट, एस को कहां से स्टार्ट करना है? आपको एक से, ठीक है? पी को कहां से स्टार्ट करोगे? दो से। डी को कहां से स्टार्ट करोगे? तीन से। एफ को कहां से स्टार्ट करोगे? चार से। ये स्टार्ट पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसका मतलब 1s तो बनेगा, 2s भी बनेगा, इस तरीके से बनते जाएंगे। पी में क्या बनेगा? 2p बनेगा, 3p बनेगा, लेकिन 1p पॉसिबल नहीं है, ठीक है? डी कहां से स्टार्ट हो रहा है? तीन से, तो 3d बनेगा, 4d बनेगा, 5d बनेगा, लेकिन 2d और 1d पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ही F कहां से स्टार्ट होता है? 4 से, तो 4F बनेगा, 5F बनेगा, लेकिन 3F 2F 1F पॉसिबल नहीं है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सबसे पॉसिबल नहीं है, तो आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है? फिर S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? 6। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है? इनर्ट गैस भी आपको याद रखनी है, हीना नीना और करीना, ऐसे रहना। इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है? देखो, तो S को कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये अब पहले S को पूरा कर लेते हैं, बाद में करेंगे P को। फिर ये 3s हो गया, ये 4s हो गया, ये 5s हो गया, ये 6s हो गया, और इसके बाद ये हो गया 7s, ठीक है? P कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। ये 2p हो गया, ये 3p, ये 4p, ये 5p, और ये हो गया आपका 6p, और ये हो गया आपका 7p, ठीक है? इसके बाद D कहां से स्टार्ट होता है? 3 से। तो ये हुआ आपका 3d, ये हुआ 4d, ये हुआ 5d, और ये हो गया 6d। F कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। तो ये हुआ आपका 4f और ये हुआ 5f। ये क्या हो गया? ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना? अब इसके बाद आपको सीधा ले चलता हूं मैं एग्जांपल पर। देखो, पहले सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करना है? 1s से। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 1s। और 1s में s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो आप क्या लिखोगे? 1s2, ठीक है? इसके बाद आगे चलो, क्योंकि हमको कहां तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन। आगे कौन आ रहा है? 2s। तो वापस लिख दो 2s। और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो कितना हो गया? 2s2। फिर आगे चलो, आगे कौन आया? 2p। तो आप लिख दो 2p। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। तो आपने लिख दिए कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ठीक है? गिन लो एक बार, कितने? 2 और 2, 4, और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। और हमको 11 बढ़ना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है हमको। तो 2p से आगे चलो, आगे कौन आ रहा है? 3s। 3s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। हमको रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो हम केवल एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। तो देख लो, 2 और 2, 4 और 6, 10, 10 और 1, 11। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? सोडियम का, ठीक है? इसके बाद देखो ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। यानी किसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट करो वही फॉर्मूला, पहले आ गया 1s, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर इसके बाद कौन आ गया? 2s, 2s में भी इलेक्ट्रॉन कितने? 2। फिर इसके बाद कौन आया? 2p। p में मैक्सिमम कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? आपने देखा 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 करने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो p में मैक्सिमम 6 आते हैं, लेकिन आपको जरूरत 4 की है, तो आप सिर्फ कितने भरोगे? 2p 4। इसके बाद अगला देखो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला सेम है, स्टार्ट कर दो 1s2, फिर इसके बाद 2s2,
2s2 के बाद कौन आया, 2p, 2p में कितने भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 3s2, फिर 3s2 के बाद क्या लिखोगे, 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 3p क्या हो गया, 6, फिर कौन आएगा, 4s, तो एक बार चेक कर लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2, क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, 18 और 2 कितने हो गए, 20, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैल्शियम का। इसके बाद देखो आयरन का, आयरन का कितना दे रखा है एटॉमिक नंबर, 26, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 बनना है, तो देखो 20 तक तो यहां आपने भर ही दिया, तो इसको तो एज इट इज लिख दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हो गया आपका 20, और आपको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4s2 के बाद कौन आ रहा है, 3d, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10, तो आप क्या लिखोगे, 3d, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम कितने आते हैं, 10, आपको जरूरत है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 4s2 के बाद आप 3d में क्या लिख दोगे, 6, यहां देख लो आप 20 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26, जो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, आयरन का। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। एक तरीका और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको बताता हूं। अगला तरीका क्या है कि जो भी एलिमेंट जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो उससे पहले कि आप इनर्ट गैस लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में, जैसे सोडियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सोडियम से पहले इनर्ट गैस कौन सी आ रही है, नियोन, भाई सोडियम का कौन सा है, 11, और नियोन का कितना है, 10, तो सोडियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है, नियोन, तो आप ब्रैकेट में किसको लिख दो, नियोन को, ठीक है, नियोन का मतलब 10 तक इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। अब ये आपको 10 तक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखो, 3s1, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है, सेम टू सेम, जैसे ऑक्सीजन का आपको चेंज करना है नेट गैस वाले तरीके में, तो ऑक्सीजन से पहले नेट गैस देखो, ऑक्सीजन 8 है तो 8 से पहले नेट गैस कौन सी आ रही है, हीलियम, तो ब्रैकेट में आप किसको लिख दो, हीलियम को, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए, अब आपको 1s2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किसको लिखोगे, 2s2 और 2p4 को, सेम टू सेम कैल्शियम पर आ जाओ, एटॉमिक नंबर कितना है, 20, 20 से पहले चेक करो कौन सी इनर्ट गैस है, आपको दिख रहा है साफ साफ इनर्ट गैस कौन सी है, आर्गन 18, तो ब्रैकेट में आप लिख दो आर्गन 18, यानी अब आपको ये 18 इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दो आप, 4s2, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरीका ये भी सही है आपका और ये भी सही है, आपको जैसे सूटेबल हो आप उस तरीके से लिख सकते हो। आयरन का क्या है, 26, तो 26 से पहले कौन सी इनर्ट गैस, हुई आर्गन, तो ब्रैकेट में लिखोगे आप आर्गन, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब आपको यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 4s2 3d6, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरीके ये दोनों ही आपके सही हैं। अब मैंने आपको जो यहां पर हेडिंग डलवा रखी है, स्पेशल केस, ये क्या है, इसको देखो, क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है, 24, तो इसका होना तो क्या चाहिए था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होना चाहिए था, ठीक है ना, 20 और 4 24, ठीक है, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ठीक है, सेम टू सेम कॉपर का हम लिखे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होना चाहिए था भाई, 20 और 9 29, 29 ही इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, तो सही क्या है देखो एक बार, सही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 4s1 3d10 और यहां 4s1 3d5, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखो आउटर शेल को ले लेते हैं, s को, पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और यहां हम ले लेते हैं d को, d में कितने कक्षक होते हैं, 5, जितने इलेक्ट्रॉन है उससे आधे ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम टू सेम यहां भी हम आउटर शेल ले लेते हैं, एक तो s है और एक कौन है, d, ठीक है, अब देखो यहां d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 4, 1 2 3 4, और यहां कितने थे, 2, और d में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9 थे ना भाई, ये रहे 9। अब ऐसा समझो एक घर में कितने भाई रहते हैं, 5, 4 के पास तो खाने के लिए एक एक चपाती है और पांचवें भाई के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये बोल रहा है भाई मेरे से क्यों भेदभाव, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत अपन ने अच्छे से पढ़ रखी है, तो 4 भाइयों का जोर ज्यादा है भाई,
एस के पास जाएंगे, एस तो अकेला ही है, मारेंगे पीटेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन छुड़ा के किसको दे देंगे, अपने पांचवे भाई को। तो कहने का मतलब एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, पांच। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है भाई, पूरे भर गए ना, आधे आधे, आधा भर गए ना, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। इस वजह से एस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर कर जाता है, डी में ट्रांसफर कर जाता है। सेम टू सेम वही, यहां पांच भाई हैं, चार के पास खाने के लिए दो दो चपाती, पांचों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ही चपाती है खाने के लिए, तो ये बोलता है भाई मुझे भी कितनी चपाती खानी है, दो। तो वही बात, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक चपाती ट्रांसफर हुई कहां पर, डी के पास। तो यहां पर एस में कितना रह गया, एक, और डी में कितने हो गए, 10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पांचों के पास कितने आ गए, दो दो इलेक्ट्रॉन, पूरे भर गए ना ये, तो फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहां पर स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से एस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर हो जाता है, डी में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 4s1 3d10, और क्रोमियम का क्या होता है, 4s1 3d5। तो यहां आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक्स और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक्स, यहां पर आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां जाकर उनको भी अच्छे से देख सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।